हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है हुंडई i10 और आप देख रहे होंगे एक जंप स्टार्टर केबल मैंने अलग से इसमें लगा के कनेक्ट किया हुआ है। आखिर वो कनेक्ट क्यों किया हुआ है? इस गाड़ी की बहुत पुरानी बीमारी है। पुरानी बीमारी इसलिए कह रहा हूँ कि एक साल हो गया इस गाड़ी को धक्के से स्टार्ट करते हुए। ये लोग धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। रिपेयर क्या क्या हुआ गाड़ी के अंदर? गाड़ी में दो बार बैटरी चेंज हो चुकी है, एक बार सर्व स्टार्टर मोटर, ये भी सर्विस हो गया, पूरा रिपेयर हो गया। अल्टरनेटर भी रिपेयर हो गया, क्योंकि जहाँ भी दिखाया इन्होंने वो हर जगह एक ना एक चीज़ उन्होंने बता दी कि अच्छा ठीक है हम इसको कर देते हैं, अच्छा ठीक है हम अब ये वाला कर देते हैं, अब ये वाला कर देते हैं, लेकिन फाइनल सोल्यूशन नहीं मिल पाया। गाड़ी अभी भी धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ती है। इवन गाड़ी ड्राइव करते समय अगर हेडलाइट को ऑन किया जाए तब भी थोड़ी देर बाद होगा ये कि फिर गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। एक्चुअली में किसी भी फॉल्ट को डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर वे होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से टेस्ट करना या फिर टेस्ट लैंप लगा के या फिर वो इंडिकेटर बल्ब अलग से कनेक्ट करते उसमें एक प्रॉपर डायग्नोस मिल नहीं पाता और फिर एक अंदाजे से काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्यूरेट में आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बैटरी आपको दिखाऊं, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसकी जो बैटरी की वोल्टेज है लगभग 12 पॉइंट समथिंग है, 12.52 लगभग ही आ रही है। इवन ये बैटरी डिस्चार्ज है और विदाउट चार्ज स्टार्टिंग के ये गाड़ी की वोल्टेज और भी ड्रॉप हो रही है, लगभग 11 वोल्ट के आसपास रह रही है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम अल्टरनेटर को चेक करेंगे, अल्टरनेटर क्या सही है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, इसमें बी पॉजिटिव एक पॉइंट है जहाँ से इसका वोल्टेज आउट होते हैं, तो वहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव कनेक्शन लगाया और ये नेगेटिव मैंने इसमें इंजन में ग्राउंड पे लगा दिया। ग्राउंड पे लगाने के बाद फिर मैं वोल्टेज आती है लगभग, इसमें ये वोल्टेज आई है 14.4 वोल्ट आ रही है। इट मींस कि एक्यूरेट अल्टरनेटर काम कर रहा है, फिर ये प्रॉपर चार्ज क्यों नहीं कर रहा है या फिर बैटरी में करंट पहुँच क्यों नहीं रहा है? अल्टरनेटर तो ठीक है। अब मैंने देखिए नेगेटिव लिया है इंजन पे और पॉजिटिव लिया है यहाँ बैटरी टर्मिनल पे, वोल्टेज मुझे उतने ही मिले 14.4 अप्रॉक्स बराबर वोल्टेज है, यानी कि जो पॉजिटिव कनेक्टिविटी है ये प्रॉपर है हमारी, यहाँ से अल्टरनेटर करंट दे रहा है प्रॉपर, लेकिन बैटरी फिर भी नहीं पूरी चार्ज हो रही है, या क्या रीज़न है? नेगेटिव देखता हूँ अगर मैं, इंजन के ग्राउंड से लिया मैंने, सॉरी एक यहाँ से इसकी, अच्छा कंटिन्यूटी भी पूरी बराबर है, मैंने कंटिन्यूटी पहले चेक कर ली थी, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक किया था तो बॉडी से पूरा कंटिन्यूटी मिल रही थी। अब मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है सीधे बैटरी के ग्राउंड में और पॉजिटिव इसके बी प्लस में, अल्टरनेटर का बी प्लस। अब मुझे करंट कितने मिल रहे हैं? करंट मुझे मिल रहा है लगभग 12.46, यानी कि लगभग उतने ही करंट मिल रहे हैं जितने कि मुझे बैटरी पे मिल रहे हैं। इट मींस मुझे ये लग रहा है कि देखिए ये जो ग्राउंड है इसका प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूटी तो है, एक्चुअल में वोल्टेज और एम्पियर में डिफरेंस होता है, करंट कितना फ्लो करेगा, कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो कंटिन्यूटी पूरी मिलती है। लेकिन अब इसकी बॉडी यहाँ से देखिए, अभी बॉडी से भी दिखाता हूँ चेक करके, इसके जो बॉडी में जा रहा है ये जो कनेक्शन है नेगेटिव, बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर पूरे इंजन तक पहुंचता है जो कि पूरे इसको ग्राउंड करता है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं सब वहीं से ग्राउंड लेते हैं। अब अगर मैं ग्राउंड चेक करता हूं बैटरी टर्मिनल से तो वही 12.26 के आसपास ये मुझे करंट मिल रहा है, और अगर बॉडी से चेक करता हूं, यानी कि ग्राउंड बैटरी से ना लेते हुए सीधे बॉडी से ले लेता हूं, बॉडी से लेने के बाद भी मुझे वोल्टेज उतने ही मिल रहे हैं। इट मीन्स कि बैटरी से बॉडी की कंटिन्यूटी ये प्रॉपर है, ये बराबर है, यानी कि उतने ही वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं, लेकिन बॉडी से इंजन, यानी बॉडी से इंजन भी तो ग्राउंड। अब इसके बाद हमको देखना होगा चेसी टू इंजन का ग्राउंड, यानी कि चेसी से इंजन जो ग्राउंड होता है एक वायर से कनेक्ट रहता है, ये वायर नीचे आएगी उसके बैटरी के नीचे होगी, शायद दिख रही होगी आपको, ये है, ये वायर भी कनेक्टेड है, लगी हुई है, प्रॉपर लगी हुई है वायर, ऐसा भी नहीं कि वायर टूटी हो, अगर वायर टूटी होती तो हमें कंटिन्यूटी तो कम से कम नहीं मिलती, तो फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यूटी भी मिल रही है और वायर लगी हुई भी है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक प्रॉपर अलग से इसको ग्राउंड देता हूँ। अलग से ग्राउंड देने के लिए देखिए एक मोटा केबल लूँगा मैं, ये जंप स्टार्टर एक बना के रखा है मैंने, उसका ये केबल है, और एक केबल को मैं कनेक्ट करूँगा सीधे इंजन पे, यानी कि इंजन पे ग्राउंड के लिए, और दूसरा केबल मैं इसका दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट सीधे बैटरी पे लगा दूंगा। इट मीन्स कि ये मैंने सीधे बाईपास कर दिया, सीधे डायरेक्ट बैटरी से इसको कनेक्ट दिया, और जब मैं कनेक्ट देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक स्पार्किंग होती है, ये स्पार्क है वोल्टेज का, इट मीन्स कि इसकी जो वोल्टेज है वो बैटरी टर्मिनल में फ्लो हो रही है। जब भी करंट फ्लो होगा एक तरफ से दूसरी तरफ तब ये स्पार्क जरूर मिलेगा आपको, या फिर लोड ले रहा हो कोई भी चीज़, अगर हम बल्ब भी कनेक्ट करते हैं और वो लोड लेता है तो आप हटाइए लगाइए देखिएगा स्पार्क होगा, अगर वो बल्ब फ्यूज होगा यानी कि करंट फ्लो ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पे स्पार्क नहीं होगा। इट मीन्स कि ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, लगाने के बाद फिर इसके वोल्टेज देखते हैं एक्चुअल में अब कितने प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं, जो प्रॉपर वोल्टेज हमें मिलने चाहिए वो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं क्या। तो अभी देखिए पॉजिटिव लिया मैंने पॉजिटिव पे मेन बैटरी के ही, और नेगेटिव में यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव पे ले लेता हूँ ये यहाँ पर। अभी देखिए वोल्टेज आ गए हैं लगभग 14.2 के आसपास वोल्टेज आ गए हैं, ये एक्यूरेट वोल्टेज हैं और ये बैटरी को चार्ज करने के लिए इनफ है।
तो ये होना चाहिए इसका बैटरी का चार्जिंग पॉइंट। अभी मुझे करना क्या चाहिए, देखिए मुझे कनेक्टिविटी भी मिली है, कंटिन्यूटी भी मिल रही, सब कुछ, क्या करना चाहिए? या तो मैं इसके ऊपर से एक वायर डाल दूं, ऐसा ही एक वायर ऊपर ग्राउंड से यहां से मैच करके इंजन को दे दूं। लेकिन नहीं, इसके गाड़ी का प्रॉपर वे क्या है, वो प्रॉपर वे से मैं इसका काम करूंगा और प्रॉपर फाइंड करूंगा कि एक्चुअल में किस वजह से ये ऐसा हुआ, वो वजह भी आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के साथ मैंने क्या किया। एक्चुअल में मेरा जो पर्पस है वो है आप लोगों को अवेयर करना, तो वो पर्पस जब तक सॉल्व नहीं होगा तो वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं एक ही वीडियो में बता दूं तब भी उससे कुछ होगा नहीं। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।